यस yes. आज के सेशन में हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को ऐसे सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करें ये मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन जेई एडवांस्ड 2006 का क्वेश्चन है और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस की मैं आपको बहुत ही सिंपल से सिंपल टेक्निक बताऊंगा बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और बल्कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको अगर आप मैथड से सॉल्व कर रहे होंगे तो काफी टाइम लग जाएगा और उन्हीं क्वेश्चन को लॉजिक से अगर आपने सॉल्व किया Concept से सॉल्व किया तो आप इन क्वेश्चंस को कई बार बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं कैसे वो मैं बताऊंगा आपको और धीरे धीरे इन सेशन में आपको एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच को कुछ अलग ढंग से देखने लगोगे सबसे पहले ध्यान रखिए कि कोई भी एग्जाम स्पेशली मैं बोलूं कि जेई की अब बात करते हैं तो जेई मेंस या एडवांस को कई लोग ये समझते हैं कि टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं मैं बोलता हूं टफेस्ट नहीं और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं आप किस लॉजिक से करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है और मैं आपको ट्रिक नहीं ट्रिक एक अलग चीज होती है कंसेप्ट बेस्ड होती है पर मैं आपको जो लॉजिक बताऊंगा वो लॉजिक आपका यहां नहीं कई और जगह भी काम आएगा तो किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना देखिए जैसे मैंने लिखा है लेट थीटा बिलोंग टू जीरो टू पाई बाई फोर एंड टी वन इक्वल टू टेन थीटा टू दावर टेन थीटा टी टू इक्वल टू टेन थीटा टू दी पावर कॉट थीटा थ्री इक्वल टू कॉट थीटा टू दी पावर टेन थीटा एन टी फोर इक्वल टू कॉट थीटा टू दी पावर कॉट थीटा देन आपको इनके रिलेशन बताना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अब देखिये यहां पर मेरे पास एक कंडीशन पहले से गिवन है थीटा बिलोंग टू जीरो टू फाइव बाई फोर और जीरो टू फाइव बाई फोर में आपको पता है कॉट की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेयर टू टेन्थ और एक और बात आपको पता अगर मैं आपको बोलूं पॉइंट अब समझना मैं आपको क्या लॉजिक बता रहा हूं पॉइंट वन का एक्स पॉइंट वन है तो इसका स्क्वायर क्या होगा बताइए पॉइंट जीरो वन एक्स क्यूब और छोटा हो जाएगा यानी अगर वैल्यू एक सीधा लॉजिक याद रखिए अगर वैल्यू जीरो से वन में है आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं आप इस क्वेश्चन को बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे अगर एक्स की वैल्यू जीरो से वन के बीच में है तो एक्स पावर एन भी जीरो से वन होगा और एक और इंपॉर्टेंट बात बल्कि वैल्यू छोटी होती जाएंगे और अगर एक्स की वैल्यू जैसे मान लो टू होती तो स्क्वायर और बड़ा होता होता कि नहीं तो अब आपको यह पता है कि जीरो से पाई बाई फोर में कॉटा की वैल्यू जो है अब आपको पता है टेन थीटा टेन फोर्टी फाइव ठीक वन होता है इसका मतलब कॉथ थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाय फोर में वन से ज्यादा है और टेन थीटा की वैल्यू लेस देन वन है यस और नो बस ये कंसेप्ट काम आ जाएगा अब लॉजिक लगाइए कॉट थीटा की वैल्यू वन से बड़ी है और पावर वन से बड़ी है मान लो कुछ भी हो पर वन से तो बड़ी है और वन से बड़ी वैल्यू की पावर भी वन से बड़ी हो तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो थीटा टू दी पावर थीटा यानी वन पॉइंट समथिंग की पावर वन पॉइंट समथिंग यानी सबसे बड़ा टी फोर होना चाहिए ध्यान से देखिए मैंने ऑप्शन में कोई चेंज नहीं किया यही ऑप्शन थे अब इसमें सबसे बड़ा टी फोर होना चाहिए और ध्यान दीजिए तो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें T4 सबसे बड़ा भी मैथड से भी बताऊंगा तो करेक्ट आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको के लिए बताया की वैल्यू थोड़ी देर के लिए वन बाय रूट थ्री और कॉट थर्टी की वैल्यू थर्टी लिख दे की वैल्यू होती है रूट थ्री इसलिए यहां पर रूट थ्री की पावर रूट थ्री है यह सबसे बड़ी वैल्यू होगी और बाई चांस एक ही ऑप्शन है अब आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है कि सर टी फोर दो में होते तो क्या मैं आपको पूरा लॉजिक से पहले बताता हूं फिर पूरा मैथड से समझाऊंगा आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे पाओगे पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब हम जाते हैं यही चीजें हैं जो आपको डेवलप करनी जो मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप एक काम और करिए कि आप इस चैनल पर जाओगे तो आपको जेई मेंस के एडवांस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिंक भी मिलेंगे आप उनको भी जरा देखो आपके सॉल्यूशन का अप्रोच सोचने का अप्रोच बिल्कुल बदल जाएगा कुछ डिफरेंट वे में आप सॉल्व करना सीखोगे सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करना सीखोगे लॉजिकल वे में सॉल्व करना सीखोगे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप देखिए क्या होता है यहां पर समझिएगा फिर से कि अगर आप ऐसा लिखते तो ये रूट थ्री की पावर रूट थ्री अगर यहां पर मैं आऊं तो ये रूट थ्री की पावर वन बाय रूट थ्री है यदि यहां हूं तो ये वन बाय रूट थ्री की पावर रूट थ्री और अगर यहां पर आऊं तो यहां पर ये रूट थ्री वन बाय रूट थ्री की पावर रूट थ्री है यस और नो ऐसा हम बोल सकते हैं अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका मेरा ये भी हो सकता था कि मुझे ये तो पहले से पता था कि कॉट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन है टेन थीटा की वैल्यू लेस देन वन है कोई ऐसी वैल्यू मान सकते हैं हो सकता है कि टेन मान लो वन बाय टू है जो आपके लिए आसान हो और कॉट थीटा मान लो टू है ऐसे सोचना चालू कर दें आप जरूरी नहीं कि रूट थ्री ही ले है ना क्योंकि ये सब वैल्यू होती है किस किस एंगल पे होती है उसमें मत हो लजिए आपको पता है कॉट इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है जीरो तक जाता है टेन जीरो से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक जाता है टेन की वैल्यू फोर्टी फाइव के बाद बहुत तेजी में बढ़ती है और कॉट की वैल्यू फोर्टी फाइव के बाद बहुत तेजी में कम होती है यानी बेसिक लॉजिक इसका यह था कि टेन थीटा को जीरो पे जीरो होता है फोर्टी फाइव पे वन होता है थर्टी पे एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपको केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना है एक कंसेप्ट भी बनवाना है कि जब कभी इस तरह के या कोई अलग भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये आंसर तो दे दिया आपने आंसर देना एक काम हो गया पर इसके साथ साथ क्या क्या चीजें हैं क्या क्या दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्योंकि एक्यूरेसी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट अब यहां पर देखिए सिक्सटी इज रूट थ्री और नाइनटी इज इंफिनिटी है ना और अगर मैं कॉट की बात करूं तो ये उल्टा हो जाता है इंफिनिटी रूट थ्री वन वन बाय रूट थ्री और जीरो ऐसा मान सकते थे तो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि जिस किसी भी एंगल की बात कर रहे हो क्योंकि रूट थ्री से भी कर सकते थे पर थोड़ी देर के लिए मान लो रूट थ्री में दिक्कत है तो आपने कहा कि सर मैंने कॉ ठीटा को टू मान लिया मैंने कहा ठीक है टेन थीटा ऑब्वियसली उसी समय वन बाई टू होगा क्योंकि जीरो से फाइव बाई फोर की बात कर रहे हैं अब अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को पूछता तो आप कितने जल्दी कर लेते फिर मैं इसके मैथड पर भी जा सकता हूं और ऐसे कुछ क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा अब देखिए क्या है कि अगर मैं सबसे आखिरी में जाऊं तो टू की पावर टू लिखता ये टी फोर हो गया अगर टी थ्री पे जाऊं तो टू की पावर वन बाई टू लिखता यस और नो तो ये रूट टू हो जाता रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर अगर मैं टी टू पर जाऊं तो मैं लिखता वन बाय टू की पावर टू यस और नो तो वन बाय टू की पावर टू यानी वन बाय फोर लगभग पॉइंट टू फाइव और अगर मैं टी वन लिखता तो मैं कितना लिखता वन बाय टू की पावर वन बाई टू यानी वन अपॉन रूट टू ये और छोटा हो गया मतलब ये थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि वन बाय रूट टू ये पॉइंट फोर सेवन के आसपास होगा यस yes और नो no? इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि सबसे बड़ा टी फोर हुआ फिर टी थ्री हुआ फिर टी टू नहीं फिर टी वन हुआ और फिर टी टू हुआ आप देखो आपको पूरा की पूरा कम, completely मिल गया अगर मान हो तो भी को उलझ जाते हैं जबकि यह क्वेश्चन कितना अच्छा था एडवांस का क्वेश्चन है दिखने में था टफ एक्चुअल में सॉल्व करने में नहीं था और यही एक अप्रोच मुझे डेवलप करनी है अभी आप एग्जाम देने वाले हो ये बहुत छोटे छोटे सेशन रहेंगे आपका टाइम का कहीं पे भी बल्कि आपके टाइम को सेव करेंगे छोटा सा सेशन है पर आप बहुत कुछ इसमें सीख लोगे क्लियर है बात अब अगर इसे आप मेथड से करना चाहते तो भी कर सकते थे तो एक वैल्यू लेके आपने बहुत जल्दी कंक्लूजन दे दी याद रखिएगा वन बाय रूट टू जो है वो वन बाय फोर से बड़ा होगा क्योंकि देखिए यहां पर वन बाय फोर है यहां पर कितना है वन बाय रूट टू सीधी सीधी लॉजिक है मैं बोलूं कि वन बाय टू और वन बाय थ्री में कौन सा छोटा है तो ऑब्वियसली ये छोटा है सॉरी ये छोटा है यस और नो तो यहां पर भी तो यही लिखा है वन बाय रूट टू ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा वन बाय फोर के क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा आगे निकल गए ना तो ये इसका तरीका हो सकता था आप रूट थ्री में भी उलझ जाते पर टू और वन बाय टू में बिल्कुल भी नहीं उलझे यानी आप जब वैल्यू भी कंसिडर करो तो कुछ ऐसे दिमाग में थॉट्स आना चाहिए जिससे कि क्लियरटी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्लियरिटी हो कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो बाकी इसी क्वेश्चन को अगर आप मैथड से करना चाहते तो एक तरीका यह भी हो सकता था जो आपको देख के समझ में भी आ रहा है कि टेन थीटा लेस देन वन है यानी टेन थीटा की वैल्यू आप ऐसा बोल सकते हैं वन से तो कम है यानी वन माइनस एक्स और कॉट थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन वन यानी वन से ज्यादा है वन प्लस एक्स आप ये लेके भी कर सकते थे यानी आप यहां लिख सकते थे वन माइनस एक्स की पावर वन माइनस एक्स ये टी वन है फिर एक्स कुछ भी सोच लेना टी टू वन माइनस एक्स की पावर वन प्लस अच्छा इसको वाई मान लो अलग अलग ले ले क्योंकि हो सकता है ये अलग हो या अलग हो वन प्लस वाई टी थ्री नहीं तो एक्स एक्स में कंफ्यूजन हो जाएगा ना टी थ्री वन प्लस वाई की पावर वन माइनस एक्स और टी फोर ये हो गया वन प्लस वाई की पावर वन प्लस वाई अब ये वन प्लस वाई की पावर वन प्लस वाई सबसे बड़ा आपको दिख रहा है ये है यहां पर अगर ध्यान दें तो वन प्लस वाई ग्रेटर देन वन ऑलरेडी हो चुका है और जो चीज ग्रेटर देन वन हो उसकी वैल्यू कुछ तो ज्यादा मिलेगी जो भी पावर हो तो ये सेकंड पे हो गया अब इन दोनों में अगर देखें तो यहां पर वैल्यू छोटी है और पावर बड़ी है मैंने अभी बताया कि अगर एक्स की वैल्यू वन बाय टेन है तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में आप ध्यान रखिएगा एक्स क्यूब छोटा होगा तो यहां पर पावर बढ़ गई तो ये ज्यादा छोटा होगा ये पावर कम हो गई ये थोड़ा बड़ा होगा यानी T2 और T1 में हम इजीली बोल सकते हैं T2 टू इज लेस देन टी वन यस और नो तो आप इस कंसेप्ट से सिंपलेस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए सबसे खास बात ये थी कि इस क्वेश्चन के लिए आपको लॉजिकल तरीके से देखूं तो मैं बोलूंगा पेन भी नहीं उठाना था सीधा 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 आपको करना यह था कि थीटा के प्लेस पर ध्यान दीजिएगा थीटा के प्लेस पर आप मतलब कॉट थीटा या टेन थीटा की कोई वैल्यू कंसीडर करके इजीली बता सकते थे और ये वन से बड़ी वैल्यू थी तो आपने एक बार में बोला कि सर टी फोर इज ग्रेटर देन टी थ्री राइट नोट कर लीजिए क्वेश्चन को